सो द क्वेश्चन वी हैव इज फाइंड द कॉर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोर कॉमा माइनस वन एंड माइनस टू कामा माइनस थ्री यानी कि हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है कुछ इस तरह से जिसमें फोर कामा माइनस वन एक पॉइंट है इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है माइनस टू कामा माइनस थ्री ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है इस लाइन पर जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है और अगर ये लाइन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम इसे तीन पार्ट में कुछ इस तरह से डिवाइड कर देंगे और अब हमें क्या बताना है हमें ये बताना है कि ये जो पार्ट्स हैं लाइक हम नेमिंग कर लेते हैं ये हो जाएगा हमारा ए ये हो गया हमारा बी और ये मिड वाला हो गया सी और इसके बाद वाला डी तो पहली चीज़ ये कही गई है इस क्वेश्चन में कि ये तीन कुछ इस तरह से पार्ट्स में डिवाइडेड है सो so, ट्राई के क्वेश्चन आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी करे थे और एग्ज़ाम्पल्स में भी करे थे तो उसी चीज़ को ट्राई करेंगे नेक्स्ट अगर देखें तो एक तरह से अब ये कहा गया कि है कि हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि सी और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो हम एक एक करके फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले अगर हम सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड करेंगे तो उसके लिए रेशियो कुछ और होगा एंड जब हम डी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे लाइक like ये हमने डी के लिए एक और लाइन खींच ली तो उसके लिए जो रेशियो है और कोऑर्डिनेट्स हैं वो थोड़े से अलग आएंगे लाइक like अगर हम फर्स्ट यहाँ पर मार्क करें ये तो हमारा ए है ये हमारा बी है कुछ इस जगह पर हमारा सी है तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है तो ये टू पार्ट्स ये हो गए और वन पार्ट ये हो गया लाइन नेक्स्ट अगर दूसरी लाइन में जब हम डी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारा ए और ये हो गया हमारा बी पॉइंट ये हो जाएगा हमारा द पॉइंट डी और फिर ये लाइन जो डिवाइडेड होगी वो टू टू वन के रेशियो में डिवाइड होगी इस अकॉर्डिंग सो so, एक बार हम सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे एक बार डी के तो हमें चाहिए क्या क्या होगा हमें बी के कोऑर्डिनेट्स और ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पता होनी चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है सो so, सिंपली जब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे आपको फॉर्मूला भी पता है आप फार्मूला डायरेक्ट पुट कर लेंगे लाइक like हम फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आप दोनों में सेम फार्मूला यूज़ कर सकें ये जो फार्मूला होगा दैट इज़ एक्स कॉमा वाई लाइक like, सी एक बार आपने एक्स कॉमा वाई माना है और डी यहाँ पर नेक्स्ट जब आपने डी फाइंड करा तो उस केस में ये एक्स कॉमा वाई होगा सो so, जब आप एक्स कॉमा वाई फाइंड आउट करते हैं तो ये एक्स होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू और वाई होता है हमारा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू सो ये चीज़ हो जाएगी तो एक चीज़ तो क्लियर है एम वन प्लस एम टू तो आपका डायरेक्टली थ्री आ जाएगा और डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं सो so ये हो जाएगा हमारा लाइक सी कॉर्डिनेट्स जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा हमारा सी के एक्स कॉर्डिनेट आ जाएंगे हमारे हाँ हम इसी के नीचे लिख लेते हैं तो ये होगा हमारा वन मल्टीप्लाइड माइनस टू नेक्स्ट इसके बाद प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय फोर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू यहां पर हो जाएगा थ्री कॉमा वाई के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट लाइक क्योंकि एम वन प्लस एम टू थ्री है तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस एट डिवाइडेड बाय थ्री कॉमा माइनस थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री तो ये दो पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे दैट इज सिक्स अपॉन थ्री हो जाएगा टू एंड माइनस फाइव अपॉन थ्री ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा सो so ये कोऑर्डिनेट्स तो हमारे सी के आगे कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सी के होंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स टू तो x की वैल्यू आएगी एंड माइनस फाइव अपॉन थ्री वाई की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ टू कॉमा माइनस फाइव बाई थ्री अब कैलकुलेट करते हैं डी के कॉर्डिनेट्स डी के कॉर्डिनेट्स यहाँ पर क्या होंगे सो so, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे दैट इज़ एक्स जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय फोर डिवाइडेड बाय थ्री कॉमा वाई जो है वो हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वन मल्टीप्लाइड बाय और वी कैन से टू टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री क्योंकि एम वन प्लस एम टू यहाँ पर थ्री है इसलिए हम थ्री से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा फोर और वी कैन से माइनस फोर प्लस फोर ये हो जाएगा जीरो नेक्स्ट फिर हम थ्री से डिवाइड करें ना करें तो ये जब भी ज़ीरो ही आएगा नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री तो जीरो कॉमा माइनस सेवन अपॉन थ्री हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सो so, इस टाइप से हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे ट्राई सेक्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो था वो ट्राई सेक्शन से स्टार्ट हुआ था जो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है वो होता है कि एक तरह से उस लाइन को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना बाकी फिर तो हमने वही सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करा और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैलकुलेट करें